हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। इस लेक्चर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज जो है इसमें एमपी के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाली एमपीपीएससी 2020 है उसमें आपके काम आने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की हमारी जो व्यक्तित्व है जो वो है गोंड राज्य की पहली रानी, रानी दुर्गावती। तो इस लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने किस प्रकार से अपना संघर्ष किया या किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य स्थापित किया। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अन अकेडमी पर एज यू नो मैं आपको प्लस में पढ़ाता हूँ और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग द कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। अभी कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं मेरे अन अकेडमी पर। एमपीपीएससी 2020 के लिए कंप्लीट कोड फॉर द एमपीपीएससी 2020 चल रहा है। साथ ही प्रिलिम्स के लिए एक एमसीक्यू कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा एमसीक्यू के थ्रू आपको पूरी जो सीरीज है वो पूरी सीरीज में आपको कंप्लीट कराऊंगा। सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू उसमें कंप्लीट किए जाएंगे। तो गोंड रानी की अगर हम बात करें, गोंड क्वीन दुर्गावती के बारे में बात करें, तो गोंड क्वीन जो दुर्गावती हैं इनका जो जन्म है ये अगर देखा जाए तो एक राजपूत वुमेन थी। एक राजपूत परिवार के अंदर इनका जो जन्म है इनका जन्म हुआ था और कलिंजर के जो महाराज थे आपके तो उनकी पुत्री थी। 1524 में 1524 के अंदर कलिंजर का जो फोर्ट था, कलिंजर का किला था, वहां पर इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इनकी जो शादी है, इनकी मैरिज है, वो जो उस समय के जो गोंड राजा थे संग्राम शाह, उस समय के काफी बड़े राजा माने जाते थे। आगे आने वाले लेक्चर में हम संग्राम शाह के बारे में भी बात करेंगे। तो संग्राम शाह के जो दो बेटे थे चंद्र शाह और उसके बाद आपके दलपत शाह, तो उनमें से जो बड़े बेटे थे दलपत शाह उनके साथ में आपकी रानी दुर्गावती है। उनकी 1542 में 1542 के अंदर यहाँ पर आपको शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद उनके जो पति दलपत शाह हैं, दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। पूरा जो गोंड साम्राज्य था उस समय पे, तो इनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो गोंड डायनेस्टी जो है या गोंड वंश है उनको बिलोंग करती थी या गोंड लोगों को बिलोंग करती थी। उसके कारण उन्होंने पूरा जो साम्राज्य है उस साम्राज्य को संभाला और उनका एक पुत्र था उसका नाम था वीर नारायण। तो वीर नारायण का जन्म हुआ, उसके कुछ समय बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रानी दुर्गावती जो है वो गोंड साम्राज्य का जो पद है पद संभालती हैं और पद संभालने के साथ अपना बेटा वीर नारायण है उसको गद्दी पे बैठा के उसके रेजेंट के रूप में या उसके संरक्षिका के रूप में अपना जो शासन है वो शासन यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश करती है। अब इनका शासन एस्टैब्लिश करने में तीन इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। दीवान ब्योहर सिंह थे, एक आपके अदहर सिम्हा और उनके मिनिस्टर हुआ करते थे उनका नाम था मान ठाकुर। तो इन तीनों लोगों ने मिलके उनका शासन चलाने में, उनका रूल चलाने में एस्टैब्लिश किया, उसको प्रॉपर तरह से रूल करने में उनकी काफी मदद की। कहा जाता है कि इनके टाइम पर जो गोंड साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा रिच था। आपके अबुल फजल जो है उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि इनके साम्राज्य के टाइम पर लोग सोने चांदी के अंदर, या हाथी हैं तो हाथियों के अंदर अपना जो टैक्स है वो टैक्स पे किया करते थे। एक बहुत ही एक विचित्र सी बात है लेकिन वो सच मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एक किवंदती है या फिर आप बोल सकते हो कि एक बहुत एग्जिगरेट करके चीज को बताया गया है कि इनके जो साम्राज्य था उस समय पे हीरो का मार्केट लगा था, डायमंड का मार्केट लगता था और डायमंड के मार्केट के अंदर जो डायमंड के व्यापारी हैं वो डायमंड की जो दुकानें हैं अपनी, तो खुले में बाजार लगता था, वहां पर अपने जो डायमंड्स हैं वो एक लाल कपड़े से ढक के घर आ जाते थे और सुबह जब घर वापस दुकान पे जाते थे तो उनको एज इट इज उनके डायमंड्स वहां पे मिलते थे। खैर थोड़ा सा ये मानने में अजीब लगता है लेकिन ये इंडिकेट करता है कि उनके साम्राज्य में धन दौलत वगैरह काफी ज्यादा थी। और इसी धन दौलत से इंस्पायर होके कई सारे लोगों ने रानी दुर्गावती हैं दुर्गावती के ऊपर आपका हमला किया। तो कई सारे हमलों, कई सारे अलग अलग राज्य का हमला उनके ऊपर होता रहा। तो उसके कारण उन्होंने अपना जो कैपिटल था, तो पहले वो लोग चौरागढ़ में रहती थी और चौरागढ़ का जो किला था, चौरागढ़ के किले से उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट करके सिंगोरगढ़ का जो किला है वहां पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि सिंगोरगढ़ का जो किला था वो थोड़ा सा यहाँ पर आपके उनके लिए यहाँ पर आपको सेफ था। उसके बाद अपने साम्राज्य के अंदर उन्होंने अलग अलग जगह पे कई सारे वाटर टैंक्स वगैरह, कई सारे पानी के कुंड वगैरह बनाए, कई सारे सड़क वगैरह जो है सड़क वगैरह का निर्माण उनके टाइम पे किया। क्योंकि इनके जो ससुर थे संग्राम शाह उनके टाइम पर गोंड लोग जो है वो 52 जगहों पे या 52 इनके जो गढ़ थे या 52 आपके जो किले थे उन किलों के ऊपर शासन किया करते थे। मतलब काफी बड़ा सा जो एरिया है इनका हुआ करता था जिसमें एक सिंगोरगढ़ का भी फोर्ट था, वहां पर उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो कैपिटल यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमला रानी दुर्गावती के ऊपर हुआ वो हुआ 1556 में, 1556 में
1556 के अंदर जब बाज बहादुर जो मालवा का अंतिम राजा था, लास्ट आपका दिल्ली मालवा सल्तनत का राजा था, तो उसको लगा कि इनके पति नहीं हैं और ये ठीक से युद्ध नहीं कर पाएंगी, तो उसके समय पे उन्होंने रानी दुर्गावती के ऊपर हमला किया। लेकिन हुआ उल्टा कि रानी दुर्गावती जो हैं उन्होंने अपनी सेना की मदद से बाज बहादुर जो हैं उनको उस युद्ध के अंदर यहाँ पर आपको डिफीट कर दिया। और इसी समय पे अकबर को पता चलता है, अकबर सेम उसी समय पे अकबर जो है वो गद्दी के ऊपर बैठता है और धीरे धीरे रानी दुर्गावती जो हैं उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, और उनकी शक्ति के ऊपर पूरी तरीके से अकबर जो है वो नजर यहाँ पर आपको रखे हुआ था। जब बाज बहादुर को डिफीट किया तो बाज बहादुर बड़ा सदमे में चला गया कि उसको एक वुमन के द्वारा, एक महिला के द्वारा उसको हार का सामना करना पड़ा, और उसी के कारण गम में डूब गया राज आपका बाज बहादुर। और कई समय तक फिर वो अपनी पत्नी रूपमती जो है उनके साथ में रह के संगीत वगैरह जो बाकी चीजें करने लगा। खैर 1561 में, 1561 के अंदर बाज बहादुर के ऊपर अकबर ने हमला किया, और जो मालवा सल्तनत है, मालवा सल्तनत या मालवा का पूरा जो एरिया था, तो ये भी अकबर के कैप्चर के अंदर यहाँ पर आपको चला जाता है। उसके बाद अकबर का जो अगला जो टारगेट था वो था रानी दुर्गावती, लेकिन दुर्गावती पे हमला करना, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए अकबर ने उनका जो सेनापति था सबसे महत्वपूर्ण अबुल फजल, उसको रानी दुर्गावती का जो पूरा एरिया था उस पूरे एरिया की रेकी के लिए लगाया कि कितना धन दौलत उनके पास में है या कितनी आर्मी वगैरह है। उसको तकरीबन 1.5 से 2 साल तक अबुल फजल ने पूरा वॉच किया, और उसके बाद उन्होंने दुर्गावती के ऊपर हमला करने का जो प्लान है वो प्लान यहाँ पर आपको बनाया। ठीक है, अब उस पर हमला करने के जो दुर्गावती हैं, तो जब मालवा पे कैप्चर किया अकबर ने, तो ऑलरेडी जो आपका गोंड डायनेस्टी है इनकी जो बॉर्डर है वो आपके मालवा के साथ लग चुकी थी, और मालवा जो है वो अकबर के पास में था, तो उसके ऊपर हमला करना जो है उनके लिए काफी यहाँ पर आपको आसान हो जाता है। ठीक है, तो उस समय पे अकबर ने फिर आपके ख्वाजा अब्दुल हजीम आपका जो असफ खान था, तो उनको दुर्गावती के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा, और बड़ा सोच विचार करके अकबर ने उनके ऊपर हमला करने की परमिशन दी, क्योंकि इनकी भी आर्मी जो गौंड आर्मी है काफी उस समय महत्वपूर्ण मानी जाती थी। खैर रानी दुर्गावती के ऊपर इनका हमला होता है, और जब उनको पता चलता है कि अकबर का हमला हो रहा है तो डेफिनेट बात है कि अकबर को तो हरा नहीं सकती, काफी बड़ी सी इनकी आर्मी है। तो उस समय उन्होंने क्या करा कि जो अपना वॉर का जो बैटल का जो ग्राउंड था, तो बैटल का ग्राउंड जो है वो यहाँ से नरई नाम का एक एरिया है जबलपुर के पास में, बरेला गांव के पास में, तो वहां पर एक नरई नाम की जगह है, वहां पर जाके उस एरिया के अंदर अपना कैंप लगा लेती हैं। और वहां पे दो रिवर हैं, एक नर्मदा रिवर है जबलपुर के पास में और एक गौर रिवर है, तो उन दोनों रिवर्स के बीच का जो एरिया था उस एरिया के अंदर जाके स्टैब्लिश हो जाती हैं, अपना कैंप वहां पे लगा देती हैं, और यहाँ पर आपके असफ खान का जो आर्मी था उसको इनवाइट करती हैं युद्ध लड़ने के लिए। अब ये उनका एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ की जो भूमि थी वो दलदली भूमि थी, और दलदली भूमि होने के कारण अकबर की जो बड़ी सेना आएंगी, अकबर के बड़े बड़े तोप आएंगे, तो इस दलदली भूमि में वो दब जाएंगे, जिसके कारण शायद वो अच्छे तरह से परफॉर्म ना कर पाए। तो इसी रणनीति के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में, उन्होंने इन दोनों एरिया के बीच में, गौर और नर्मदा के बीच में अपना जो कैंप है वो कैंप एस्टैब्लिश किया। और उसके बाद जब पहली बार असफ खान की आर्मी जो है उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, तो पहली बार दमोह के ऊपर जब हमला किया गया, तो दमोह के हमले में तो उन्होंने पहली बार जो हमला था उसको उनको डिफीट कर दिया, और दमोह से उनकी आर्मी जो है असफ खान की वापस चली जाती है। और उसके बाद फिर असफ खान अपनी बड़ी सी आर्मी लेके आया, और जो एरिया मैंने आपको बताया कि जो दलदली भूमि वाला एरिया था, तो जब ये पता चलता है असफ खान को कि इस प्रकार से दलदली यहाँ पर आपको भूमि है, तो उन्हें कई सारे हाथी और ऊंट हैं या घोड़े हैं उनके ऊपर कई सारा क्विंटल्स ऑफ आपकी मिट्टी है या जो आपका मुरम होता है वो लेके आए, उस एरिया के अंदर उन्होंने अपना बेस बनाया, और वहां से फिर आपके रानी दुर्गावती जो है उनके ऊपर यहाँ पर आपको हमला किया। तो सुबह सुबह 6-7 बजे इनका जो बैटल है वो रानी दुर्गावती के साथ में स्टार्ट होता है। उस बैटल में उनका छोटा सा जो बेटा था वीर नारायण, उसने भी पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा कई सारे उनके जो वीर सेनापति हैं, वीर लोग जो हैं, उन्होंने इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब युद्ध दोपहर तक पहुंचता है, युद्ध स्टार्ट होता है, और दोपहर तक पहुंचते पहुंचते रानी जो दुर्गावती हैं उनके ऊपर उनकी उनकी गर्दन में एक तीर लग जाता है, उनका जो थ्रॉट होता है, गर्दन नहीं, उनके थ्रॉट में एक तीर लग जाता है। और उसके बाद उनका जो महावत था, महावत मतलब वो व्यक्ति जो हाथी चलाता है, तो उसको वो कहती हैं कि अब मुझे कटार से मार दो या तलवार से मार दो, क्योंकि मैं मुगलों के हाथ में नहीं आना चाहती। लेकिन महावत एक रानी को कैसे मार सकता था, तो इन दैट केस रानी दुर्गावती हैं, उन्होंने कटार निकाला, और कटार निकाल के खुद को वहां पर आपको मार दिया, खुद को वीरगति को। रानी युद्ध के मैदान है, युद्ध के मैदान में रानी दुर्गावती
जो है वो यहाँ पर आपको शहीद हो गई, और उनके बाद असफ खान जो है उन्होंने पूरा इनका जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया। इनकी मृत्यु के बाद असफ खान जो थे उनको कई सारी प्रॉपर्टीज, कई सारी संपत्ति वगैरह मिली। इस एरिया से तकरीबन 300 हाथी हैं वो असफ खान ले गया, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है आपके गौंड साम्राज्य से या गौंड लोगों की उनसे लूट के ले गया। लेकिन उनका जो बेटा था वीर नारायण, तो वो सर्वाइवल कर गया और उसने फिर कुछ समय तक सिंगौरगढ़ के ऊपर राज किया, और उसके तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर फिर से असफ खान हमला करके वीर नारायण को भी यहाँ पर आपको उसको मार देता है। तो 24th of January 1564 को जो है रानी दुर्गावती हैं इनकी मृत्यु होती है। अब इनकी याद में कई सारी चीजें, इनके लेगेसी में बाद में कई सारी चीजें बनाई गई, जैसे जबलपुर जो यूनिवर्सिटी है 1983 में भारत मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर यूनिवर्सिटी का जो नाम है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के नाम से उसका नाम चेंज किया। उसके बाद भारत सरकार ने उनके नाम से एक पोस्टल स्टैम्प है 1988 में, एक पोस्टल स्टैम्प जो है दुर्गावती के नाम से उसको जारी किया। उसके बाद जबलपुर से लेके जम्मू तवी तक या अभी कटरा तक जो एक ट्रेन चलती है उसका नाम है दुर्गावती एक्सप्रेस, तो एक जो ट्रेन चलती थी उसका नाम भी उन्होंने दुर्गावती के नाम से, दुर्गावती एक्सप्रेस उस ट्रेन का जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको चेंज किया। तो ये थी आपकी रानी दुर्गावती। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की और भी कई सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, कई सारी पर्सनालिटीज़ जो आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम पर बड़े लेवल पे आदिवासी लोगों का समर्थन या उनका जो प्रतिनिधित्व है वो करते रहे, तो उन लोगों के बारे में अगले आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।